losing time, I'm fading fast. Hey guys, good morning. आज मैंने ब्लॉगिंग थोड़ा लेट स्टार्ट की है. खाना पीना बन चुका है. आज हम लोग करेंगे दीदी की रूम की सफाई. और कल रात मैं बहुत लेट सोई थी, तो कल रात मैंने आउट्रो भी नहीं बनाया था जो मेरी लास्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. अभी बज रहे हैं 10:30 और आज खाने में बना है, एक सेकेंड, बना है भरमा भिंडी, दाल, चावल, रोटी. जा रहे हैं ऑफिस एंड अभी मैं कर रही हूँ अपने सेकेंड चैनल पे वीडियो अपलोड. अपलोडिंग के बाद मैं जा रही हूँ मिथौरी बनवाने के लिए. आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मिथौरी क्या होता है. तो मिथौरी दाल, मूंग एंड चने की दाल, उसमें हींग डाल के छोटे 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 बनाए जाते हैं बॉल. तो मैं अभी आपको वीडियो शूट करूंगी तब दिखाऊंगी. पहले ये ऑफिस चले जाए, मैं वीडियो अपलोड कर दूं, देन जाके हम लोग बनाएंगे मिथौरी. उसकी जो रेसिपी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है मिथौरी खाने में. तो जब वो बनेंगी वो भी शेयर करूंगी. फिलहाल आपके साथ मिथौरी की रेसिपी शेयर करूंगी कैसे बनती है मिथौरी. तो फिर चलिए चलते हैं. तो गाइज ये होती हैं मिथौरी, छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं. तो अभी दीदी और मम्मी लगा रही थी मिथौरी, तो तीन लोग लगाते नहीं हैं, इसीलिए मैंने रितिका को बुलाया. क्योंकि तीन लोग ऐसे ही मतलब मिथौरी वगैरह नहीं लगाते हैं. और ये इसकी जो सब्जी होती है ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं. इसमें हींग डाल के पीसना होता है इसको, एंड रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. उसके बाद ये पापा के कपड़े रखे हुए थे, तो पापा ने बोला था कि वो कहीं जा रहे थे मम्मी और पापा, तो वही कपड़ों पे मैं प्रेस कर रही थी उनके. सो गाइज आन्या सो चुकी है और कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं. मैंने आज कर्टन्स उतारे थे क्योंकि कल लाइट टू फेस में आ रही थी, तो कपड़े वगैरह धुल नहीं पाए थे. तो अभी वहीं मैं जा रही हूँ, कुछ कपड़े पानी से निकालने को हैं वो निकालेंगे. और दीदी के रूम की सफाई हो रही है तो साथ के साथ वो भी कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं. तो अभी मैं ये प्रेस वो क्या बोल रही हूँ मैं भी ये पूजा के कपड़े हैं, पर्दे वगैरह, मैं इसको धुल रही हूँ. होली पे ना बहुत सारा काम हो जाता है गाइस, लेकिन जितनी जल्दी हम सारा काम निपटाएंगे उतनी ही जल्दी हम लोग फ्री हो जाएंगे. तो वही अंदर के अंदर का जो पोर्शन है ना, उसके सारे कर्टन्स मैं लेके आ गई हूँ. और ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे, लाइट आई नहीं थी तो कपड़े वगैरह सूखे नहीं थे, तो वही मैं कपड़े वगैरह छत पर डाल के आऊँगी एंड कर्टन्स वगैरह भी साथ के साथ छत पर ही डाल के आ जाऊँगी. जब हम कपड़े वगैरह मशीन में सुखा लेते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मुश्किल से आधा घंटा लगता है. एंड सारे ये पर्दे वगैरह तो बहुत पतले पतले होते हैं ना, इस वजह से बहुत जल्दी सूख जाते हैं. उसके बाद मैं आ गई हूँ, ये कुछ डब्बे वगैरह थे, दीदी के रूम की सफाई हो रही थी तो वही मैं कर रही हूँ साफ सफाई. दीदी मुझे सामान पकड़ा रही है पोंछ पोंछ के, और मैं सारा सेट कर रही हूँ उनकी जगह पे. जब दो लोग मिलके काम करते हैं ना, तो यार बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है. तो इसीलिए कहते हैं फैमिली, जॉइंट फैमिली का यही फ़ायदा होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा कर देगा, दूसरे को कोई प्रॉब्लम है तो हम कर देंगे. सो गाइस दीदी का रूम जो है वो साफ हो चुका है. अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने के लिए. सारे बर्तन है, पूरी ना चट्टान फुल है. उससे पहले ना थोड़ी भूख सी लग रही क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा खाना खा लेती हूँ उसके बाद काम करने में लगती हूँ. सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ छत पे. जो सुबह मिथौरी लगाई थी ना वो सूख गई हैं, तो मम्मी कहीं गई हुई हैं, तो मम्मी ने बोला था कि जब वो उठा लेना क्योंकि वो सूख गई होंगी, तो मैं और दीदी उसी को उठाने के लिए आए हैं. ये जो मिथौरी होती है ना, ये कपड़े में ना चिपक जाती हैं क्योंकि गीली होती हैं, तो इसीलिए एक एक करके हमें छुटाना पड़ता है. और ये कल के जो हमने कल जलेबियाँ बनाई थी वो भी सूख गई हैं, तो वो भी हम उठा लेंगे साथ के साथ. जलेबियाँ कल अच्छे से सूख नहीं पाई थी क्योंकि हमने उसे पानी लगा के हटाया था, वो छूट ही नहीं रही थी. कपड़े में चिपक जाती है कोई भी चीज़, आप लोग ट्राई करना तो आप लोगों के साथ भी यही होगा. तो पानी लगा के हमने छुटा ली थी तो वो दोबारा गीली हो गई थी, तो इसीलिए हम लोग अब दोबारा सुखाया है एंड अभी अच्छे से सूख चुकी हैं. लेकिन मिथौरी हमें दोबारा सुखानी पड़ेंगी क्योंकि मिथौरी जो है वो अच्छे से सूखी नहीं, क्योंकि ये अभी चिपकी हुई है तो नीचे साइड ये गीली होंगी, लेकिन हम उसको कल दोबारा सुखाएंगे.
stick, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. उसके बाद जो हमने कपड़े सुखाए थे वो भी हमारे सूख चुके हैं, तो हमने सोचा जा रही हूँ नीचे तो खाली हाथ क्यों जाऊँ, कपड़े वगैरह भी ले ही लेती हूँ, बार बार फिर आना नहीं पड़ेगा। तो वही मैं और दीदी कपड़े वगैरह ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे थे तो अकेले एक हाथ से जाते नहीं, इसीलिए दीदी भी मेरी हेल्प कर रही हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:07 और मैं अभी ना के आई हूँ। आप लोग भी क्या सोचते होगे, मैं हमेशा लेट ही नहाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। होली है, होली की वजह से काम बहुत हो जाता है, घर में साफ सफाई चल रही है, इतने सारे कर्टन्स कपड़े इतने सारे धुले थे, पूरे तार भर गए थे छत पे, इस वजह से ज़्यादा काम हो जाता है। और तो अभी मैं जाके पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद घर पे बन रही है दाल की कचौड़ी या पराठा जो भी बनेगा, तो उसकी तैयारी करूँगी। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ चल के। गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सो गाइज, आज घर पे बनने जा रहे हैं चने की दाल के पराठे, जिसको हम भिड़ाई भी बोलते हैं। इसमें हम नमक एंड लहसुन डाल के 2 सीटी लगाएंगे। तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, मुझे ना बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रखी है, दिख नहीं रही है, अभी दिखाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रखी, बहुत खुजली होती है, हाथों में ही है सिर्फ एलर्जी, पता नहीं क्यों है। तो फिर मैं दवाई लेने जा रही हूँ इनके साथ, इनके फ्रेंड का ही हॉस्पिटल है वहीं पर, ठीक है। मिट्टी उड़ रही है ना यार, बहुत धूल मिट्टी है, आँख में भी जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ दवाई लेने के लिए, और वो दे रहे हैं दवाई, इंजेक्शन वगैरह देखो क्या लगाए, मुझे तो बड़ा डर लगता है इंजेक्शन से आज। तो गाइस, मैं दवाई लेके आ चुकी हूँ, और उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया ना मुझे, उससे तो मुझे एकदम चक्कर से आ रहे हैं, मतलब लग रहा है सो जाऊँ, लेकिन अभी काम तो इतना सारा करना है। 8 बज गए और खाना भी बनाना है, मतलब इंजेक्शन लगते ही ना मेरा सिर घूमने लगा, और मुझे वीडियो भी एडिटिंग करनी, पता नहीं कैसे होगा। चलो चलते हैं, क्या काम है, चलो करते हैं चल के। सो अभी हमारी चने की दाल उबल चुकी है, ये एकदम भरता सी हो गई थी, क्योंकि मैं तो चली गई थी तो सीटी उसमें ज़्यादा ही आ गई। तो अभी वैसे मैं पीसती, अभी मैं इसको पीसूंगी नहीं, मैं इसको डायरेक्ट फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल देना है, हींग एंड जीरा डाल देना है, एंड जो हमारी चने की दाल है उसके बाद इसमें वो ऐड कर देना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है हरा धनिया, एंड नमक और मिर्च ऐड करना है, धनिया पाउडर ऐड करना है, एंड काली मिर्च ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मुझे ना नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड किया है, एंड देन इसको हमें अच्छे से तब तक इसको हमें फ्राई करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी टाइट ना हो जाए, क्योंकि बहुत गीली हो गई थी तो पराठे अच्छे से नहीं बनते, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम इसको कढ़ाई से किसी बर्तन में कर लेंगे, एंड अभी हमारे पराठे बनना स्टार्ट हो गए हैं। एक तरफ चाय बन रही है, ये पराठे आप आम के साथ खा सकते हो, चाय के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, जैसा भी आपको पसंद हो। पर्सनली मुझे ये आम के साथ पसंद है, हमारे यहाँ सभी लोग इसको आम के साथ ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी मन करा था तो सीज़न आम का तो चल नहीं रहा है, तो हमने सोचा यार मन को क्यों मारा जाए, खा लेंगे चाय वगैरह से, तो वही चाय बन रही है खूब सारी। तो हम लोग, मुझे ना हमेशा से ही यार पराठे वगैरह ना एकदम क्रंची क्रंची पसंद है, ये नहीं कि तेज़ आंच में उसको जला दो, यार वो पराठे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कैसे पराठे पसंद है, कुछ इस तरीके के पराठे मुझे पसंद है, जैसा कि मैंने अभी सेंका है, एकदम क्रंची सा होना चाहिए, स्पाइसी सा पराठा, खा के मज़ा ही आ जाए। गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और खाना पीना हो चुका है, अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, उसके बाद जाके मैंने पराठे बनाए, थोड़े मैंने बनाए, थोड़े दीदी ने बनाए, क्योंकि अन्य रोने लगी थी तो आधे मैं बना रही थी, उसके बाद मैं उठ के चली गई और अनु सो गई है,
ये अपना कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, रात को सोने से पहले ये कपिल शर्मा शो देखते हैं, क्योंकि हमें रात को सोने से पहले हमेशा हैप्पी होके सोना चाहिए। रात को नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है जब आप अगले दिन सुबह उठते हो। तो थोड़ा सा मैं भी देख लूँगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगी, देन मैं सो जाऊँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारा काम था, बस ये होली तक का काम है, उसके बाद मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाया करूँगी। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर एकदम नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड शुभ रात्रि।